बनियाखेड़ा ब्लॉक में नामांकन के दौरान जमकर उन्हीं सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के नामांकन के पहले दिन सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। किसी को भी कोरोना का डर नहीं था। नामांकन को आए प्रत्याशियों और उनके समर्थकों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया और ना ही कोरोना गाइडलाइन को अमल में लाया गया। लोग भीड़ में बिना मास्क और बिना सैनिटाइजर के एक दूसरे से भिड़े लाइन में खड़े दिखाई दिए। बताते चलें कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के नामांकन का आज पहला दिन था। 17 और 18 तारीख को पंचायत चुनाव के नामांकन दाखिल किए जाएंगे। इसी को लेकर संबल जनपद के चंदोसी तहसील अंतर्गत ब्लॉक बनियाखेड़ा में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के नामांकन को लेकर प्रक्रिया शुरू की गई, जहां अधिकारियों और कर्मचारियों की अनदेखी के चलते सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। नामांकन कराने आए प्रत्याशियों और उनके समर्थकों की लंबी लंबी लाइन लगाई गई, जहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया और ना ही कोई सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई। ऐसे में यदि कोई कोरोना संक्रमित व्यक्ति भीड़ में मौजूद होता है तो हालात बिगड़ सकते हैं। इस संक्रमण के फैलने का आखिर कौन जिम्मेदार होगा, ये बड़ा सवाल है। बनियाखेड़ा ब्लॉक परिसर में बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते कोई अधिकारी नजर नहीं आया और लोग एक दूसरे से भिड़कर लाइन में खड़े थे। कोरोना की किसी को परवाह नहीं थी। रूप वाला कहाँ की रहने वाली? गुमथल की। क्या विकास करेंगी यदि आप प्रधान चुनी जाती है? नामांकन कराने आप आई हैं, क्या उम्मीद है आपको? उम्मीद क्या है, हो जाएगा काम तो हमारी है। जिस हमारे लिए पब्लिक जब वोट देती है, मेहनत करती है, तो उसके लिए हमें करना है, उसका काम पूरा करना है। ऐसी क्या कमी रह गई पूर्व प्रधान की, विकास की, जो आपको प्रधानी के रण में उतरना पड़ा? ऐसी कोई कमी नहीं रहेगी। ये है कि हर साल ये हर वक्त जो आता है नया, तो हर कोई खड़ा होना चाहता है हम उनसे ज़्यादा कर सकें कि आगे हमें भी। कहाँ के रहने वाले हैं? अकरोली का। क्या नाम है आपका? प्रधानी का पर्चा दाखिल करने आई हैं। क्या विकास करना चाहते हैं गांव का आप, जो नहीं हो पाया? किसान को जी हाँ विकास करेंगे। विकास करेंगे। क्या क्वालिफिकेशन है आपकी, कितनी पढ़ी हुई हैं आप? हाई स्कूल हैं। क्या विकास ऐसा रह गया जो आपको आवश्यकता पड़ गई चुनाव में उतरने की? हाँ करेंगे। आपको क्या कमी दिखाई दी ऐसी जो आपको चुनाव में उतरने की आवश्यकता हो गई? जनता के लिए सेवा करेंगे। जनता के लिए सेवा करेंगे। में सैनिटाइजिंग की व्यवस्था रहेगी, मास्क के वितरण की व्यवस्था रहेगी, साथ ही पल्स ऑक्सीमीटर वगैरह की व्यवस्था रहेगी, जिससे कोरोना का प्रोटोकॉल का पालन कर सके। साथ ही सामाजिक दूरी की को देखते हुए इतने मतलब दो लोगों के बीच में 2 गज की दूरी का प्रयोग करते हुए नामांकन का कार्य कराया जाएगा। इसके लिए हम लोगों ने ARO वार सभी खिड़कियाँ तैयार कर ली हैं और बैरिकेडिंग की व्यवस्था भी चल रही है और जो शाम तक कम्प्लीट हो जाएगी।